मैंने आपकी मिमिक्री करूंगा सर थोड़ी सी, कर दो जी। देखो ना जी, समझो ना जी, मेरे भाई ये क्यों हो रहा है? थोड़ा ज्यादा फड़फड़ा गए मैं, मतलब इतना नहीं। हाँ एक मिनट, देखो ना जी, बस ऐसे ही तो होता है। हाँ। अरे मेरे अंकल अंटीज, फील करो ना जी, फील करो, बस फील करो, कुछ नहीं बोलना, सिर्फ देखना है जी, बस देखते रहो, बस सेशन खत्म हो गया। आसान है, ठीक है। सबसे पहले उसी से शुरू करें जो सुबह से जब आप आए हो आपके दिमाग में घूम रहा है। क्या घूम रहा है आप लोगों के दिमाग में? क्यों नहीं है फीमेल्स? एनी आइडिया, मतलब क्या ऐसा क्या होने वाला है? मैं आपको बता देता हूँ, इस सस्पेंस को खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जो टॉपिक है ना वो ये है कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो अपलोड करी थी, आपको पता होगा, जिसमें मैंने पूछा था कि आप क्या चाहते हैं मेरे आने वाले सेशंस में कौन से टॉपिक्स टच होने चाहिए, राइट? हाँ, उसको काफी टाइम हो गया उस वीडियो को अपलोड हुए, नियर अबाउट आई थिंक 2 महीना पहले वो वीडियो अपलोड हुई थी। उसमें एक टॉपिक था जिसके ऊपर बहुत लोगों ने लाइक किया हुआ था और वो चाहते थे कि वो टॉपिक हो, लेकिन हो क्या रहा था, मेरे जितने भी सेशंस हुए हैं उसके बाद में, जैसे ही मैं पूछता था, एक तरह की वोटिंग होती थी कि भाई कितने चाहते हैं कि टॉपिक होना चाहिए, तो फीमेल्स के हाथ ऊपर नहीं आते थे, या 2-3 फीमेल्स अपने हाथ ऊपर करती थी, बाकी मेल्स ऑलमोस्ट सब अपने हाथ ऊपर करते थे। तो वो टॉपिक है, आई एम श्योर आप सबका इंटरेस्ट होगा उस टॉपिक में, दैट इज हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विद 0 इन्वेस्टमेंट। कैसा लग रहा है? अब इसको थोड़ा सा पहले डिफाइन कर लेते हैं टॉपिक को, क्योंकि 0 इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप कुछ भी करोगे तो वहां पे एटलीस्ट टाइम तो इन्वेस्ट होगा ही होगा। तो टाइम की तो अपनी वैल्यू है ही, प्लस आप यहाँ पर भी आए तो सिर्फ टाइम इन्वेस्ट नहीं हुआ, थोड़ा बहुत तो पैसा भी इन्वेस्ट हुआ है। yes, तो इसको पहले डिफाइन कर देते हैं, 0 इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, मे बी से 10-20 हज़ार रुपये, इतना तो ठीक है, इतना तो हम अफोर्ड कर सकते हैं सब लोग, एक काम करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, ठीक है। तो अगर 10-20 हज़ार रुपये के अंदर अंदर हमको कुछ करना है, जो शुरू छोटे लेवल से होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसको बड़ा बनाना है, तो वो कैसे होगा, ये आज के सेशन का हमारा टॉपिक है। सुनने में ये ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगेगा, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपये क्या होता है, बिजनेस सिखाने के नाम पे लोग आपसे ले लेते हैं 20-30 हज़ार रुपये, तो 3 लाख रुपए दे दिए मैंने तो कुछ नहीं सीखा। एक मिनट माइक देना था। बताओ बताओ, औरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी आपकी इस बात से। सर मैंने सोचा था कि कुछ बिजनेस से रिलेटेड कुछ सीखूंगा, क्योंकि मेरा जॉब में पहले से इंटरेस्ट नहीं था कि करना तो बिजनेस ही है, बट बिल्कुल मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी कॉलेज से बिल्कुल नील रही, तो कुछ नहीं सीखा मैंने, मतलब कॉलेज से लगभग मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने 3 लाख रुपए वेस्ट कर दिए, वही मैं कहीं और लगाता, खुद से कुछ सीख के यूट्यूब वगैरह से सीख लेता तो बेटर रहता। राइट, लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हिम। क्योंकि सीखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम औरों की सक्सेस से सीखें, फेलियर से भी अगर आप सीख लेते हो तो दैट इज इंटेलिजेंस। मतलब इससे हमको क्या समझ आ रहा है, इस बात से कि अपने पैसे को बचा के रखो, कोई भी उठ करके आ जाए और वो बोले कि हाँ भाई हम आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, उसके बाद में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उठा करके अपने पैसे उसको मत दो, अगर एक्चुअल में आपको बिजनेस में कुछ बड़ा करना है तो। बिजनेस में कोई आपको सिखा नहीं सकता है, खुद सीखना पड़ता है, और जो सीखना चाहता है उसके लिए इतना कुछ है सीखने के लिए जिसकी कोई हद नहीं है, वो रोड पे चलते चलते भी सीख सकता है बिजनेस, चारों तरफ उसको आइडियाज नजर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज नजर आएगी, अगर आपका माइंडसेट वैसा है तो। यानी अगर माइंडसेट बन गया है तो, माइंडसेट नहीं बना है तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, किसी भी बंदे को कितना भी पैसा दे दो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला। 3 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं, बहुत बड़ा अमाउंट है। 3 लाख में आप आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा आपको समझ आएगा, आप 10 अलग अलग तरह के बिजनेसेस ट्राई कर सकते थे, तो 10 में से 1 तो चलता। समझे मैंने क्या बोला है? हाँ, तो ऐसे सोचो, बजाय किसी को देने के पैसा खुद करो। और बात रही सीखने की, तो ये इन्फॉर्मेशन एज है, इस गलतफहमी में मत रहो कि आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पे करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर फ्री, दैट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस एज दैट वी आर लिविंग इन। कितने लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, बता रहे हैं, तो आपके पास में संदीप
मैंने वैसे अपनी बात करी नहीं थी, लेकिन ठीक है जी, श्रद्धा है आपकी। थोड़ा सा समझना मेरी इस बात को ध्यान से, पैसे को बचा करके रखो, पैसे का ही तो सारा खेल है, पैसे को और टाइम को बचाओ अगर एक्चुअल में कुछ करना चाहते हो। इन दोनों की इंपॉर्टेंस समझो। बिजनेस का दूसरा मतलब है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालना। कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए जिसका आप सॉल्यूशन निकालो। अब एक है आप जा करके आइडियाज ढूंढो यहां से वहां से। बहुत बड़ी गलती है ये जो लोग करते हैं, मतलब कहीं गए आइडिया सर्च करने लग गए या दोस्तों से पूछने लग गए, यार बिजनेस करना चाहता हूं तू बता दे कोई बढ़िया सी लाइन बता दे। अबे लाइन क्या होती है, ये बड़ा कॉमन डायलॉग है, होता है नहीं, सुना है ना? Yes, मेरे बेटे को अच्छी सी लाइन बता दो। अरे सुबह से रात तक लाइन ही तो मारता करता गया। जब भी आप कोई बिजनेस करने वाले हो, पहले खुद देखो अपने आप को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है या नहीं है। सुबह से रात तक जो भी आप करते हो, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक कितनी प्रॉब्लम्स है। जो आपकी लाइफ में खुद आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आपके लिए निकालना आसान है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसको आपने खुद कभी फेस किया ही नहीं है और आप सर्वे करो आपको ऐसी प्रॉब्लम मिल भी जाए और आप उसका सोल्यूशन निकाल रहे हो, क्या ज्यादा आसान है? समझ गए मेरी बात? तो करना क्या है, अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करना है, वहीं से आपको जवाब मिलने लग जाएंगे, वहीं से अंदर से एकदम से निकल करके आएगा। हो सकता है आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो जहां पर कुछ गड़बड़ हो रही हो, वहां से इंस्पिरेशन आ सकती है। हो सकता है घर में कोई छोटा सा काम कराया हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम आई हो, जैसे घर में कीड़े मकोड़े सबके होते हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, कीड़े मकोड़े तो हो सकता है कभी आपने किसी पेस्टिसाइड वाले को बुलाया हो घर में और वहां पर आपका एक्सपीरियंस बहुत खराब रहा हो, उसने कहा कि एक साल के पैसे लेकर के आपसे चला गया, उसके बाद में एक दो बार आया उसके बाद अता पता ही नहीं है, या फिर उसने काम किया और कुछ हुआ ही नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ, तो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं है? क्या आपने खुद फेस करी है नहीं करी है? तो अगर ये आपके घर में प्रॉब्लम है तो और घरों में भी हो सकती है। तो आइडिया मिल गया नहीं मिला? समझ गए? तो अगर आप अपने घर से ही शुरू करो तो कितना आसान है बिजनेस करना। नहीं समझे मैंने क्या बोला, यह समझ आ गया? इसके लिए कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सा डिप्लोमा चाहिए? अभी देखो बात करते करते एक आइडिया आया है, रुक जाओ, हाथ नीचे रखो, पहले देखो कि क्या हो रहा है अभी यहां पर, उसकी इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश करो, बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझो। बात करते करते कुछ बड़ा मजेदार नजर आ रहा है मुझे, आप लोगों को भी मेरे साथ साथ में नजर आ रहा है? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, कितने घर है इंडिया में, कितने कीड़े मकोड़े हैं, अगेन आपकी बात नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है या नहीं है? हर एक की प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा कुछ है, अगर उसमें से आपको एक छोटा सा पार्ट भी मिल जाता है इस इंडस्ट्री का तो कितना कमा सकते हो? लगाओ दिमाग, इसको कहते हैं दिमाग का खुला होना। अगर अभी ये बातें आपको समझ आ रही हैं तो अगर सुन करके कह रहे हैं हाँ नहीं नहीं क्या होगा जी, इन सबसे तो कुछ नहीं होने वाला तो बेकार है। अगर दिमाग खुला होगा तो अभी आप देख पाओगे मेरे साथ साथ में, इसी में देखें, इसी को करने की कोशिश करें। हाँ देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते रहते हैं, देखते हैं शायद कुछ निकल के आएगा यहां से। देखो अभी मैंने बोला घर में आपके ये प्रॉब्लम है, आपने पेस्टिसाइड का ट्रीटमेंट कराया, अलग अलग लोगों को ट्राई किया, एक को ट्राई किया वो आया पैसे वैसे लेकर के भाग गया, दूसरा आया उसका काम ही नहीं कर रहा है वो, मतलब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही, तीसरा आया फिर वहां पर मजा नहीं आ रहा है, तो चौथी बार आपने क्या कहा, भाड़ में गए सारे के सारे, मैं तो खुद करूंगा, बिजनेस की शुरुआत हो गई या नहीं हुई? इतना आसान है बिजनेस करना। इसके लिए कौन सा कोर्स चाहिए आपको, कौन सा एमबीए चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए, कौन सा डिप्लोमा चाहिए, इसको बिजनेस बोलते हैं, इसको धंधा बोलते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप देखो, आपने कहा पहले अपने घर से शुरू करते हैं, कि वो बंदा लेता है 5,000 रुपए, जाकर के देखता हूं इसकी मार्केट कहां पर है, उसकी कोई ना कोई होलसेल मार्केट होगी जहां पे केमिकल्स मिलते हैं, जहां पे उसके इक्विपमेंट्स मिलते हैं, वो सब कितने के होते हैं, वो जो इक्विपमेंट्स हैं बहुत महंगे होते हैं क्या? नहीं, नहीं आप तो ऐसे बोल रहे हो, आपका काम ही यही है कोई है यहाँ पे जिसका काम हो ये? नहीं सर, खटमल मारने, खटमल मारने का काम है आपका? एक मिनट सुन ले तो यार। हाँ क्या, जेएनयू के अंदर सर बहुत सारे खटमल है, हाँ हाँ, तो उसको मारने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन मार नहीं पाते हैं, खटमल कभी मरा ही नहीं, खटमल मरा ही नहीं खटमल अमर है, तो अब उसको कैसे मारा जाए?
यही आपकी लाइफ का गोल हो जाए कि भाई खटमल मारने हैं। बुरा नहीं है आइडिया, देखो ऐसे ही हम हंसते हैं, लेकिन और मजे की बात बताऊं, जब भी आप कुछ करोगे ना अपने बेस पे, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना कि दुनिया हंसेगी। तो अब आपने अपने घर से शुरू किया, अब इसमें आपको जा क्या रहा है? जो टाइम जा रहा है क्या वो टाइम वेस्ट हो रहा है या यूटिलाइज हो रहा है? कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल रहा है। मैं कह रहा हूं जो भी कर रहे हो वो आप साथ साथ में कर रहे हो, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो। कोई ना कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, कर रहे हो। कॉलेज में कुछ पढ़ाई कर रहे हो, कर रहे हो। एकदम से छोड़ नहीं दिया है, छोड़ने की जरूरत है इसमें, समझे? अब आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। बिजनेस करना सीखते कैसे हैं? ऐसे ही सीखते हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मतलब प्रैक्टिकली धक्के खाने पड़ते हैं ना। और ये एक्चुअल में इतना इंटरेस्टिंग है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब आपने क्या कहा, मैं अपने घर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालूंगा। चलो कितना लेता है वो बंदा, मान लो 5,000 रुपए लेता है साल का। तो अगर मैं ये जो भी वो मशीन होती है और होती है वो ले लूं, एक वो मास्क ले लूं, तो आपने पूरी किट बनाई अपनी और आपने वो पूरी किट देखी कि 5,000 रुपए में बन रही है, तो आपका बिजनेस क्या जीरो इन्वेस्टमेंट में शुरू नहीं हो गया? लगाओ थोड़ी सी बुद्धि अंकल आंटी, नहीं आंटी नहीं अंकल, हाँ 5,000 रुपए आपने उनको भी देना ही था, आपके माँ बाप ने, वो उनको ना देकर के आपको दे दिया, आपका क्या गया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट। और अगर अपने घर की प्रॉब्लम आपने अच्छे से सॉल्व कर दी, और वही काम वो लोग जो 5,000 में कर रहे हैं वो आपने 3,000 में करना शुरू कर दिया या 2,500 में करना शुरू कर दिया, अपनी सोसाइटी में, अपनी लोकेलिटी में, यहां पर वहां पर, क्या मुश्किल है इसमें? लगाओ दिमाग, थोड़े से पैम्फलेट्स बनवाए, इनॉग्रल डिस्काउंट, व्हाटएवर। इंडिया में डिस्काउंट का बड़ा शौक है लोगों को कि 5,000 रुपए का है, लेकिन अगर अगले एक हफ्ते के अंदर आप कराते हो तो 50% डिस्काउंट है, आपका 2,500 रुपए में हो जाएगा एक साल का पूरा का पूरा। आपने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करी हुई है, मान लो ओरिजिनल दवाई 1,000 रुपए की आती है और जो डुप्लीकेट है या कोई ऐसी है जो काम नहीं करती है वो मान लो 200 रुपए की आती है, तो और लोग हो सकता है 200 रुपए लगा रहे हो। आपने कहा मैं 1,000 रुपए की लगाऊंगा, 2,500 रुपए लूंगा, तो 1,500 का मार्जिन नहीं हो गया आपका? 1,500 रुपए करके अगर 10 घर भी आपने एक महीने में करे तो क्या 15,000 रुपए कमा नहीं लिए? 15,000 रुपए कम होते हैं क्या? अपने बेस पे जिस दिन 15,000 कमा लोगे ना, मेरी इस बात को याद रखना, वो कहावत सुनिए शेर के मुंह खून लगने वाली है। Yes, अब आप कुछ और नहीं कर सकते, आप बिजनेसमैन बन चुके हो जी। ऐसे ही बिजनेसमैन बनते हैं एक्चुअल में। जिस दिन आपने 10-15,000 रुपए अपने बेस पर कमा लिए और आपके घर वालों को भी नजर आ रहा होगा, अगला दिमाग उनका भी और आपका भी ये चलने लग जाएगा कि अब इसको 10-15,000 को 20,000 कैसे किया जाए, 30,000 कैसे किया जाए, 50,000 कैसे किया जाए, 1,00,000 कैसे किया जाए, क्योंकि अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं। करोड़ों घर है इंडिया में, उन सबको अगर टैप करना हो, और धीरे धीरे फिर आप क्या लोग अपने साथ में ऐड नहीं कर सकते? अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है हमारे देश में, तो क्या आप अच्छा काम कर रहे हो या गलत काम कर रहे हो? क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हो, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो। आगे अपनी टीम बढ़ाते चले जा रहे हो, एड्स अपनी बढ़ाते चले जा रहे हो, क्या मुश्किल है इसमें? कुछ भी नहीं जी। किसी को अपने घर में ऐसा कुछ कराना है, उसने एक दो से कराया और वो सेटिस्फाइड नहीं है, अब उसको और ढूंढना है, तो वो कहां से ढूंढेगा? गूगल पे सर्च करेगा। तो अगर वो गूगल पे सर्च करे पेस्ट कंट्रोल, क्या बोलते हैं, एजेंसी इन कोई लोकेलिटी है आपकी जहां पर आप रहते हो, मान लो लक्ष्मीनगर, या उसका कोई भी सराउंडिंग एरिया डाला, मान लो पड़पड़गंज, आप लक्ष्मीनगर में हो लेकिन वो पड़पड़गंज डाल रहा है, तब आपकी एड आ रही है। ये बात समझ आई मैंने क्या बोला है? हाँ, तो अलग अलग सर्च के लिए आपने अलग अलग एड चला रखी है, क्योंकि दोनों आसपास ही है ना, दोनों ईस्ट दिल्ली में है, तो वहां पर कोई भी कुछ भी सर्च कर रहा है तो आपकी एड वहां पर नजर आ रही है। जब एड आएगी तो कोई ना कोई तो कॉल करेगा, कम ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी एड कितनी अच्छी है। एड में ही आपने क्या करा, वहीं पर अपना नंबर दे दिया कि कॉल अस फॉर अ फ्री ट्रायल, ये और कोई नहीं कर रहा होगा। ये आपके पास एडवांटेज होता है जैसे ही आप एक लाइन में एंटर करते हो, क्योंकि जो उस लाइन में एस्टैब्लिश हो चुके हैं वो कमाने के बारे में सोच रहे होते हैं। आप अभी कमाने के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप कस्टमर्स एक्वायर करने के बारे में सोच रहे हो। तो आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो वो नहीं कर सकते। आप अपने ऊपर रख करके देखो, आपने सर्च किया और आपको वहां पर 10 एड्स नजर आई, लेकिन उन सब एड में क्या लिखा हुआ था कि कॉल अस दिस 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 ये वो, या फिर सिर्फ 5,000 रुपए में या 4,000 रुपए में। एकदम से वहां पर आपको एक एड नजर आई, कॉल अस फॉर अ फ्री ट्रायल, किसको कॉल करोगे? ऐसे सोचा जाता है। और फ्री ट्रायल के लिए उन्होंने कॉल किया, और आपने क्या किया, एक वहां पर छोटे से एरिया में, पूरे घर में नहीं,
रिट्रायल आपने यही तो बोला था, ये थोड़ी बोला था पूरे घर का कर देंगे। उनकी रसोई में जो भी उनकी प्रॉब्लम आ रही है, मान लो कॉकरोच की प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे रिलेटेड आपने उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया और आपने बोला कि आप इसको देख लो 2-4-5 दिन 7 दिन, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो हमको कॉल कर देना। और लोग आपसे 5,000 रुपये लेते हैं, हम 3,000 रुपये लेते हैं या 2,500 लेते हैं पहले साल में, उसके बाद से हम भी 5,000 लेंगे। गलत क्या है? भाई कमाने के लिए काम कर रहे हो, चैरिटी थोड़ी कर रहे हो, लेकिन कुछ गलत नहीं कर रहे, आपकी इंटेंशन सही है। तो जब इंटेंशन सही होगी तो वो लोग अगले साल भी आपसे ही रिन्यू कराएंगे। अगर शॉर्ट टर्म विजन होगी, नियत खराब होगी, तो बंदे आ तो जाएंगे, जितनी तेजी से आएंगे उतनी तेजी से चले भी जाएंगे, उसमें मजा नहीं आएगा। मजा आता है कि वो जिंदगी भर के लिए आपके साथ में जुड़ जाए, चाहे आपके कस्टमर्स हैं, चाहे वो लोग जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं। अगर वो दिल से जिंदगी भर के लिए आपके साथ में जुड़ जाए तो आपको आगे बढ़ने से कौन रोकेगा? और किसके साथ में लोग दिल से जुड़ते हैं? जो ईमानदार होता है। एज सिंपल एज दैट। ईमानदारी का मतलब क्या? जो फेयर होता है। अगर वो कस्टमर के साथ भी फेयर है कि जितने का मैं पैसा ले रहा हूं उतने की वैल्यू दे रहा हूं, एम्प्लॉयज के साथ भी फेयर है कि जितना आप काम कर रहे हो उतना आपको पैसा मिल रहा है, टाइम पे मिल रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, तो बन गए बिजनेसमैन। हो गया ना आपका 10 मिनट में MBA खत्म? मैं इनसे एक बार बात करूंगा। वो किसने बोला था MBA वाला? हाँ, एक बार माइक देना इनको। सच सच बताना, मतलब इसलिए नहीं कि मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, सच सच बताना कि अभी हमको 10-15 मिनट हुए हैं सेशन को। हाँ। तो कुछ सीखा आपने? सर बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। मतलब कि हाँ, मतलब जो अपना सबसे पहले तो मैंने सीखा कि टाइम और जो आपने पैसा बताया वही मैं 2 साल मेरे वेस्ट हो गए। 2 साल में मैं 3 लाख रुपये से स्टार्ट करता तो मैं कहाँ होता अभी। तो अभी जो हमने बात करी उससे आपको क्लैरिटी आई है ना? क्लैरिटी। अब सोचो अगर इसको प्रैक्टिकली भी कर लो तो कितनी क्लैरिटी आ जाएगी। और जरूरी नहीं है सबको खटमली मारने हैं जाके सारे मशीन दे करके निकल जाए मरवा लो। सर एक मेरे पास मतलब थोड़ा सा आइडिया भी था बट मैं उस पर अभी तक वर्क नहीं कर पाया। हाँ। मैं और मेरा एक दोस्त है, हम जा रहे थे बाइक से, तो हमने साइड में बाइक लगा दी, तो ट्रैफिक वाले हमारी बाइक उठा के ले गए। ऐसे ही 2-3 बार हो गया हमारे साथ। तो उस दिन मेरे को मतलब एक बार लगा कि यार एक ना जैसे रूम वगैरह के लिए ऐप है तो पार्किंग के लिए भी एक ऐप होना चाहिए फोन के अंदर, ताकि जैसे हम नियर बाय जाएं हमें ऐप से क्लिक करें कि नियर बाय पार्किंग कौन सी है जो ऑथराइज्ड है। हाँ। तो हम अपने पार्क कर दें वहाँ पे। अब देखो ये आइडिया अच्छा है लेकिन इसको ध्यान से समझना, इस आइडिया का बेस क्या है। ऐप बनाना अपने आप में यू नीड अ बिग इन्वेस्टमेंट, फिर ऐप की मार्केटिंग, आप समझ गए, वहां पर आप जाकर के फंसते चले जाओगे। तो कोशिश करो बिजनेस को सिंपल रखो, बेसिक लेवल से शुरू करो। जैसे अभी पेस्ट कंट्रोल वाली हमने बात करी, जैसे जैसे आपके कस्टमर्स एग्जिस्टिंग एक बेस बनता चला जाएगा तो क्या इसकी आप ऐप नहीं बना सकते? नहीं, इसकी भी बना सकते। आप ध्यान से समझना अभी मैंने क्या बोला है। एक तरीका है कि हम पहले ऐप बनाए फिर काम को शुरू करें, मतलब ऐप से पैसा कमाए, देन दैट बिकम्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस मॉडल। एक है पहले हमने पैसा कमा लिया, मान लो आपके 1,000 कस्टमर्स हो गए, अब आपने ऐप में 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। क्यों बनाई ऐप? ताकि कस्टमर्स को पता हो कि अब आपकी नेक्स्ट डेट ये है, तो वो सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। पहले बिजनेस करो, पैसा कमा लो, फिर उस पैसे में से कुछ पैसा ऐप बनाने में लगा दो। हाँ, आपके पास कोई इन्वेस्टर है वो 5-10 करोड़ रुपए लगा रहा है और फिर आप एक ऐप बना रहे हो, उसके बाद भी बहुत सारी नहीं चलती है, और आपकी जेब में है 2 लाख रुपए, आपने ऐप बना दी, अब उसकी मार्केटिंग के लिए चाहिए 20 लाख रुपए, कहां से लाओगे? तो काम हमेशा ऐसा करो स्पेशली शुरू में जो जीरो इन्वेस्टमेंट का हो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो रिस्क, जीरो टेंशन, जीरो स्ट्रेस। क्या गया? कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं तो घर का तो काम हो ही जाएगा, मां तो आकर के शाबाशी दे देगी, शाबाश मेरे बेटे तूने बड़ा अच्छा काम किया। हाँ, उनको देना माइक जरा। सर मैं महाराष्ट्र के लातूर में रहता हूँ, तो हमारा क्या है लातूर में एक ट्यूशन एरिया है, वहाँ लगभग 60,000 के आसपास बच्चे पढ़ने के लिए है, तो मैं उनके लिए एक लॉन्ड्री सर्विस देने जा रहा हूँ सर। अभी जब जो लॉन्ड्री वाले हैं वो कपड़े वापस लौटाने में 2-3 दिन लगा दिए, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए वो कम्फर्टेबल नहीं है सर। तो हमने एक दिन में 24 आवर्स में कपड़े लौटाने के ऐसे प्लानिंग किए हैं,
हम शुरू से कपड़े कलेक्ट करेंगे, टैगिंग करेंगे, और जिनकी मशीन से वहाँ उन्हें यूज करेंगे हमें हम, और आयरनिंग करके लौटा देंगे। देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी ये जो बिजनेस आपका मॉडल है ये फेल हो सकता है। इसको नेगेटिवली मत देखना। क्यों सर? पॉजिटिवली समझना। क्यों? क्योंकि आप किसी और पर डिपेंड होने वाले हो। जब वो पहले या और अपने जो खुद के कस्टमर्स हैं उनको दो तीन दिन में दे रहे हैं तो आपके कस्टमर्स को जल्दी क्यों देंगे? आप तो उनके थ्रू हो गए ना, बीच में आप भी तो पैसा कमाओगे। अगर वो डायरेक्ट दे रहे हैं किसी को तो उसमें वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर उन्हीं को दो तीन दिन में दे रहे हैं तो आपको तो चार दिन में देंगे। तो यहां पर क्या चाहिए? आपको अपनी मशीन चाहिए। शुरू में ज्यादा नहीं चाहिए, एक भी हो तो चलेगी। इंडस्ट्रियल वॉशिंग मशीन लगभग 1 लाख तक जाती है। हाँ, तो अभी आप शुरू में वो वाली मशीन मत लो, सस्ती मशीन ले लो, क्योंकि एकदम से आपके पास में बहुत सारे कस्टमर्स थोड़ी आने वाले हैं। एक और ट्रैप समझो बिजनेस में, बहुत बड़ा ट्रैप है। हम एकदम से ही कुछ बड़ा करना चाहते हैं। 1 लाख की मशीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुरू में आपके पास में एकदम से बहुत सारे लोग नहीं आएंगे। वो आने में ही कुछ महीने लगेंगे, हो सकता है 1 साल भी लग जाए। तो शुरू में काम कम आएगा, तो जब कम आएगा तो उसके लिए 10-10 हजार की 2 मशीन भी होगी तब भी चल जाएगी। इसमें यह चाहिए कि आपको यह हो कि यार मैं किसी बंदे से लिया, सुबह लिया, शाम तक दे दूंगा, सेम डे डिलीवरी। अगर वो 2-3 दिन में दे रहे हैं, अगर आप सेम डे दे पाओ तब तो काम बढ़ेगा आगे। अगर आपने भी 2-3 दिन में दिया तो फिर क्या है उसमें? आपको अगर उन्होंने 10% दे भी दिया तो उस 10% में क्या कमाओगे, क्या खाओगे? अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको ऐसे रखता हूं, क्योंकि आई एम नोबडी टू से कि आप ये करो। अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? आइडिया अच्छा है, प्रॉब्लम बड़ी है, नीड है। मैं क्या करूंगा? वॉशिंग मशीन लूंगा शुरू में, एक सस्ती से सस्ती, मान लो 8-10 हजार रुपए की आ जाती है इतने की वॉशिंग मशीन, है ना? हाँ, सेकेंड हैंड ले लो, इवन बेटर। तो वो मैंने ले ली एक वॉशिंग मशीन, सिर्फ एक से शुरू करूंगा, फिर देखूंगा काम कैसे बढ़ रहा है, या बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, ताकि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर काम ना भी चले तो वॉशिंग मशीन मेरे घर में तो काम आई जाएगी। घर में ले आके पैक करके गिफ्ट कर दूंगा, लो जी आपके लिए मेरी तरफ से। सर्वे करने की ज्यादा जरूरत है कि नहीं? सर्वे क्या करोगे इसमें? मतलब ये प्रॉब्लम आपने खुद ने फेस करी है नहीं करी है? आपकी है। हाँ, तो कपड़े खुद अगर आप धोते हो तो उसकी कॉस्ट आप लगा लो, कितनी कॉस्ट आती है। अगर उसके आसपास में आप देते हो तो लोग कराएंगे आपसे। अगर अभी 10 रुपये ऑलरेडी वो दे रहे हैं एक कपड़े का, एवरेज होगा किसी का 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, बट मान लो 10 रुपये दे रहे हैं एक कपड़े का ऑन एन एवरेज, तो वही काम अगर आप 5 रुपये में कर पाओ शुरू में, या 5 छोड़ो 6-7 में भी कर पाओ, और सेम डे डिलीवरी दे पाओ, और प्लस आपके मार्जिन भी हो, क्योंकि अब आप खुद कर रहे हो, किसी और से कराओगे तो वो मार्जिन क्या खाक लेने देगा आपको? वो कहेगा भाई 10 रुपये में से 2 रुपये तेरे को दे दूंगा। अब आप भी 10 में दे रहे हो, वो भी 10 में दे रहे हो, ऊपर से डिलीवरी में आप ज़्यादा उसके सर पे चढ़ोगे कि भाई मुझे तो आज ही चाहिए। वो कहेगा ले जाओ उठा करके अपने कपड़े। समझ गए ना प्रॉब्लम? तो ये मैं आपको लॉजिकली समझा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप इसका क्या तरीका है, कि छोटी सी जगह ली, वहां से शुरू किया, जैसे जैसे काम बढ़ा मशीन बढ़ाते चले गए। 1 लाख की एक मशीन लेने की क्या जरूरत है? 10-10 हजार की 4 मशीनें लगा दी, बाद में एक बंदे को अपने साथ में और जोड़ लिया, एक आध किसी दोस्त को, ठीक है ना? और उसको भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, नॉट ऑन सैलरी बेसिस। उसको बोला कि भाई मेरा ये काम चल रहा है, बढ़ रहा है, आ जा साथ मिलके करते हैं, 1% तेरा, 1% मेरा। तो जब कमाई होगी तो उसमें से उसको देना है। तू भी तो खाली बैठा है, क्या कर रहा है? आ जा मेरे साथ ही, आ जा कपड़े धोएंगे मिल करके। और आइडिया है किसी के पास में? हाँ, इनको देना माइक। हाँ सर, मेरा कैटरिंग का बिजनेस है सर, फ्लो में नहीं है, इतना ऑर्डर्स नहीं आते। आपका फैमिली बिजनेस है ये कैटरिंग का? सर नहीं, खुद स्टार्ट किया है मैंने, 1 ईयर का कोर्स किया होटल मैनेजमेंट का। अच्छा, मेरे फादर सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा सर। क्यों नहीं हो पा रहा आप खुद बताओ, क्योंकि और भी बहुत लोग कर रहे हैं सर। और भी बहुत लोग कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन है। अभी तो इसका क्या इलाज है? आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो और कोई नहीं कर रहा है। मैंने लास्ट ईयर नवंबर में स्टार्ट किया था, अभी तक नवंबर से मैंने 2 ऑर्डर्स करे हैं अभी तक। अभी जून आ गया, आज सिर्फ 2 हो पाए हैं। पूरे एफर्ट्स दे रहा हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं। और क्या उन 2 के आगे और रिकमेंडेशन आ रही है? सर रिकमेंडेशन नहीं आ रही, बस लोग रेट ट्राई करते हैं बस। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर आप कुछ ऐसा करो सर जो और कोई नहीं कर रहा है तब तो ये काम चलेगा। अगर वो ही कर रहे हो जो बाकी सब भी कर रहे हैं तो एज किसके पास में है? जिसके पास में ज्यादा एक्सपीरियंस है। यस सर, क्योंकि लोग कहेंगे भैया वो 10 साल से कर रहा है। हाँ जी सर, ये 10 अलग अलग लोग हैं, हम जानते हैं वहाँ पे उसने किया हुआ है। यस सर, कि हमारे मिलने वालों के यहाँ पे उसने किया हुआ है और सारा अच्छे से किया था। हाँ जी सर, तो मैं उसको दूंगा या आपको दूंगा? मैं भी होऊंगा तो मैं उन्हीं को दूंगा। यस सर, तो फिर आपको कैसे मिलेगा? केटरिंग किस तरह की करते हो? वेडिंग में करते हो? कहाँ? सर ऑल टाइप्स ऑफ केटरिंग्स।
नहीं नहीं ऑल टाइप्स तो आप बोल रहे हैं, मतलब अभी तक जो दो आपने करी वो किस में करी? सर मैंने पहली माता की चौकी में की थी और दूसरी गुड़चड़ी में की थी। ठीक है, सो आई एम फर्दर प्लानिंग टू गो फॉर अ बेकरी कोर्स, सो फिर उसके बाद अपना कुछ मतलब थोड़ा उसमें केक्स वेक्स में पूरी नॉलेज लेने का। अगर इन दोनों बिजनेस को मिला दे तो, इन अदर वर्ड्स केटरिंग, अभी आप केटरिंग कर रहे हो माता की चौकी के लिए और गुड़चड़ी के लिए, यस सर, यहाँ पर करने वाले पहले ही बहुत बैठे हैं, बहुत बैठे। अभी जो आपकी एज है वो आप यंग हो, 20 से 22 के बीच में, यस सर, तो कुछ ऐसा करो जो वो लोग नहीं कर सकते जो 40-50 साल के हैं और फैले पड़े हैं चारों तरफ से, यस सर, और बैठे हैं, हाँ बेटा चल रहा चल रहा चल, ऐसे होते हैं ज्यादातर केटरिंग वाले, यस सर, यस है ना, टिपिकली, यस सर, हाँ बेटा ज्यादा मत सोचो, मैं गाली वाली नहीं दी, मारूंगा तेरे कान पे, कान पे लौंडे है, कुछ भी सोच सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो जो वो लोग नहीं कर सकते, करने का सोच भी नहीं सकते? बच्चों की बर्थडे पार्टी, उसमें केक से लेकर के डेकोरेशन से लेकर के केटरिंग से लेकर के वेन्यू बुक कराने से लेकर के सब कुछ वो आप हैंडल करोगे। बिजनेस में फोकस चाहिए। गड़बड़ क्या होती है जब हम एक काम को शुरू करते हैं, पहले डिफाइन नहीं करते अपनी बाउंड्रीज को, जो भी काम आता है जैसा भी काम आता है हाँ मैं कर दूंगा और फंस जाते हैं। समझ गए? बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए हाँ बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना बोलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बर्थडे कराना, बर्थडे कहाँ कराएंगे? या तो घर पे कराएंगे, यस सर, या कहीं बाहर कराएंगे, यस सर, किसी रेस्टोरेंट में कराएंगे, यहाँ पे वहां पे कहीं पे, रेस्टोरेंट्स में जाके आपको टाइप करना है। चाहिए क्या? एक विजिटिंग कार्ड चाहिए, यस सर। कार्ड बढ़िया होना बहुत जरूरी है, यस सर, क्योंकि कार्ड इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। यहाँ पे हम बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं, कार्ड में पैसा बचा लेते हैं। ये कुछ बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आपके बिजनेस में कोई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ विजिटिंग कार्ड की है। तो ऐसा कार्ड बनवाओ ना जो और कोई नहीं बनवाता, 20 रुपए का कार्ड, इंटू अगर आप 50 भी करते हो तो कितना पैसा लगा? 1000 रुपए तो लगा। हाँ जी सर। तो ऐसा कार्ड बनवाओ ना कि जो देखे उसकी आंखें फट जाए। और वहां पे जाकर के इन सारे रेस्टोरेंट्स जहां पर भी इस तरह की पार्टीज होती है, छोटी गैदरिंग, बड़ी गैदरिंग, बैंकेट हॉल, वहां पे टाई अप कर लिया। आपने क्या बोला है कि हमारे पास में हम बहुत सारी पार्टीज करते रहते हैं, हम सिर्फ बर्थडे की करते हैं, सिर्फ बर्थडे, हम और कोई नहीं करते, हम ये शादीशुदी की नहीं करते, ये नहीं मोनी वो सब नहीं करते, हम बर्थडे के स्पेशलिस्ट हैं। बर्थडे में भी थीम पार्टीज होती है, या थीम पार्टी, ये थीम वो थीम, लड़की है तो पिंक का थीम, लड़का है तो ब्लू का थीम, ये वो व्हाटएवर। अब थीम पार्टीज भी लोग कर तो रहे हैं, लेकिन आप शुरू कर रहे हो तो आप सस्ते में कर सकते हो, ये आपका एडवांटेज आ गया। कि वो पार्टी जो सामने वाला बंदा करने के 2 लाख रुपए ले रहा है टोटल, वो काम आप 1 लाख में कर सकते हो। यस सर। ठीक है, हाँ। तो अब आपने सारे ऑप्शंस अपने क्लाइंट को दे दिए। अब अगर उसने चूज किया कि मेरे को तो इसी बैंकेट में करनी है, तो वहां पे वो आपकी केटरिंग अलाउ नहीं करेगा, मान लो। यस सर। तो केटरिंग उसकी हो गई, यस सर, डेकोरेशन आपकी हो गई, यस सर, केक आपकी हो गई, यस, मैनेजमेंट पूरा आपका हो गया। हाँ जी। प्लस जब उसको आप बिजनेस दे रहे हो जिस बैंकेट हॉल को, तो आपको कमीशन तो देगा, नहीं देगा? यस सर, देगा जरूर। शुरू में आपने क्या किया अपनी फैमिली में, यहाँ पे वहां पे, क्योंकि शुरू में हो सकता है एकदम से आपको काम ना मिले, तो पहले आपको काम दिखाना पड़ेगा। हाँ जी सर। तो फैमिली में कोई ना कोई बच्चा होगा, यस सर, उसका फ्री में कर दो, फ्री मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, या कॉस्ट टू कॉस्ट, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम लग रही है? नो सर। वहां से आपके पास में फोटोग्राफ्स आ गई, यस सर, मतलब एक एक लड़की बच्चे का, एक लड़का बच्चे का, यस सर, ये सही बोला मैंने, गर्ल और बॉय भी तो बोल सकता था, चलो कोई नहीं चलता है, एक लड़की का और एक लड़के का, यस सर, दोनों का आपने बर्थडे कर दिया। अब यहाँ से आपके पास में आ गया, गर्ल्स की ऐसी थीम होती है, बॉयज की, वहां पे फोटोग्राफी बढ़िया करी, हम नहीं करते आपसे, अब देख रहे हो, अभी समझा कितनी जल्दी ना बोला मैंने। अगर कोई बंदा आएगा ना कि ये मान लो कोई बहुत बड़ा बिलियनर है व्हाटएवर, वो कहेगा कि हमारे बर्थडे पार्टी में या हमारी शादी में आपको फोटोग्राफी करनी है, वहां पे पता है कितना पैसा लेते हैं लोग एक शादी का? कुछ आइडिया है? नहीं है। करोड़ों रुपए सर, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ये फोटोग्राफी का बजट होता है। कोई अगर मेरे पास में आएगा कि ये हमारी शादी में आपको करना है जी फोटोग्राफी, आपका नाम है इमेजेस बाजार, ये वो व्हाटएवर, आपको करना है, आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आप खुद आओगे, मैं कहूँ भाई तू 1 करोड़ छोड़, 100 करोड़ देगा तब भी नहीं, तो क्यों करूँगा? नहीं करता तो नहीं करता, समझ गए? ये हाँ और नहीं बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। इसमें अगर आप डाउट में पड़ गए तो समझ जाओ आप कभी भी लाइफ में कोई बड़ा नहीं कर पाओगे, फंस के रह जाओगे, माइंड भी कंफ्यूज रहेगा, अब ये करूं वो करूं, ये वो ये व्हाटएवर। अब ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल है या नहीं है? Yes, sir. जीरो इन्वेस्टमेंट,
कि मतलब आपके चाचे ताई में मामा में इधर उधर वो उनको तो इतना तो पता ही है कि आप उनसे तो पैसा खाने वाले हो नहीं। हाँ जी सर। तो बोला कि अब इसका बर्थडे आ ही रहा है, मेरे पे छोड़ दो सारा कुछ। हाँ जी। मैं करूँगा, बोलो मेरे को शौक है मैं करूँगा। और बढ़िया से बढ़िया वहाँ पे अपनी चीज़ों को किया, बढ़िया से बढ़िया थीम, बढ़िया से बढ़िया फोटोग्राफी, मतलब कोई देखे तो उसकी आंखें फट जाए, वो कहे यार क्या कमाल का काम हो रहा है। पहले आपने ऐसे लोगों का काम स्टडी कर लिया, उनको अपने घर बुला लो, उनका काम देखा, उससे आपको पता लग गया काम का क्या लेवल, उनसे रेट भी ले लिया, रिसर्च हो रही है, फ्री में हो रही है, कोई पैसा लग रहा है? नो सर। अब आप गए, आपने दिमाग लगाया कि इस तरह के जो मेरे को सामान चाहिए होता है होलसेल मार्केट कहाँ पर है सर, इस तरह के चीज़ों की, नहीं तो ये जो बर्थडे में जो सामान लगता है अगर वो आप गए किसी बेकरी शॉप से आपने ले लिया या किसी नॉर्मल दुकान से ले लिया, वो बहुत महंगा मिलेगा। यस सर, कॉस्टली। वहाँ पे जो चीज़ आपको मिलेगी 500 रुपए की हो सकता है, वो आप कहीं होलसेल मार्केट में जाओ वहाँ पे मिल जाए 100 रुपए की। यस सर। तो वहाँ पे आपने कॉस्ट कटिंग कर ली, समझ गए। तो इस तरीके से कॉस्ट कटिंग करके यही बात आपने समझा दी जो भी अपने फैमिली में आप करने वाले हो, तो आपको क्लियर पता है कि ये जो 1,00,000 रुपए का काम है ये मैं 20,000 रुपए में करने का दम रखता हूँ। तो जब मैं ये काम 20,000 रुपए में कर सकता हूँ तो मैं 50,000 रुपए में बेच भी सकता हूँ। यस सर। तो वहां पे 30,000 रुपए का मोटा मोटा मेरा मार्जिन है। yes, तो मैं मार्केट से आधे रेट में कर रहा हूँ, काम उसी लेवल का है। हाँ जी सर। मतलब समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात यह है कि काम 50,000 का भी करने वाले लोग होंगे। yes, sir. और 1,00,000 का भी करने वाले होंगे। yes, लेकिन आपको काम करना है 1,00,000 के लेवल का। yes, sir. और लेने करना 50,000 में। और वो आपको कॉस्ट कितनी आ रही है, मान लो 20,000 रुपए, तो 30,000 रुपए आपका मार्जिन हो गया। स्टार्टिंग में इतना सही है, कम नहीं है यार, बहुत होता है। और अगर 30,000 रुपए की आपने महीने की 2-3 पार्टीज भी करी, मैं कहता हूँ 3 पार्टीज भी करी, तो 90,000 रुपए तो बच रहा है आपको। यस सर। प्लस जो ऊपर से मिल रहा है जहाँ पे आपके टाइप्स हैं, जिस जगह पे आप करवा रहे हो बैंकेट में, मान लो 1,00,000 रुपए वहाँ पे खर्चा आया तो वहां से 20% आपको मिला, तो 20,000 रुपए वो अलग। तो करते करते 1,00,000 रुपए महीना आप कमा रहे हो, तो 15 मिनट के अंदर अंदर आप 1,00,000 रुपए महीने पे पहुंच चुके हो। Wish you all the very best. Thank you so much.